लग रहा है कि आपको आपके कर्मों के हिसाब से फल नहीं मिल रहा। आपको जितना मिलना चाहिए, आप जिस हिसाब से काम कर रहे हो उसका फल आपको नहीं मिल रहा। और ये नाइंसाफी आज से नहीं हो रही है आपके जीवन में, बहुत दिनों से हो रही है। आप जब भी कुछ काम करते हैं और बराबर मात्रा में कोई अन्य भी इस कार्य को करता है, उसको भरपूर फल मिलता है, आपको फल नहीं मिलता, नहीं मिलता आपको वो फल। आपके कर्म अधूरे रह जाते हैं। आप हमेशा से गरीब हैं और हमेशा से गरीबी बने रहेंगे, क्योंकि आप कितना भी मेहनत कर ले, आपको आपकी मेहनत का पूर्ण रूप से फल की प्राप्ति नहीं होती है। दो व्यक्ति समान एक समय में एक शहर में आते हैं, बराबर संघर्ष करते हैं, आपने भी उतनी मेहनत की, आपके मित्र ने भी। आज वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का मालिक है, आप कहाँ हैं? आप पहले भी किसी और के लिए काम करते थे, आज भी किसी और के लिए। अपनी एक कंपनी आपने बनाने की सोची थी, वो भी नहीं बना पाए। दिन प्रतिदिन आपका रुतबा कम होता चला गया, आपके बैंक बैलेंस जो थे वो खत्म होते चले गए, आप में काम करने की क्षमता कम होती चली गई। और अब तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपका भाग्य अब कभी साथ नहीं देगा। दुर्भाग्य इस कदर आपके साथ है कि आप हैरान रह जाते हैं कि आखिर मेरे सामने ऐसे ऐसे लोगों ने तरक्की की है जिसकी तरक्की करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, परंतु उन्होंने तरक्की की और आपकी अवस्था जस की तस रह गई। अब आप चाहते हैं कि मुझे नहीं पता कौन से काले साये ने मुझे घेर लिया, किसकी नजर लग गई, मेरी बर्थ चार्ट में कौन से ग्रह ने परिवर्तन किया अपने स्थान को, क्या हुआ कि मैं तरक्की नहीं कर पाया। रईसों की कहानी सुनी आपने, अपने पिता से, अपने दादा से। वो आया था 2000 रुपया लेकर, आज 2 करोड़ का मालिक है। कई बार मैगजीन में और पेपर में और कई बार सोशल मीडिया पर आपने देखा है कि कितने संघर्ष किए किसी ने और उसके बाद बिल्कुल जमीनी स्तर से उठकर कहां से कहां पहुंच गया। तो ये अवस्था आपके साथ क्यों नहीं आती? नहीं आती तो आएगी, नहीं जानते हैं जो प्रयोग अब हम जानेंगे, जिस रास्ते पर आपने कदम नहीं रखा है अब रखेंगे। एक थोड़ी सी जानकारी के अभाव में आप पहले भी गरीब थे और अभी भी गरीब हैं, परंतु मैं आपको अब गरीब नहीं रहने दूंगी। यदि इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आपने क्लिक किया है, इसका अर्थ है कि परमात्मा चाहते हैं कि इस वीडियो को आप देखें और कुछ तो मिले आपको। बहुत लोगों ने मुझे ये लिखा कि हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष का ये दौर खत्म नहीं होता। हमारी परिस्थितियां कभी नहीं बदलती, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वो चुनौती कभी खत्म नहीं होती, हमारी बाधाएं दूर ही नहीं होती। परेशानियों का ये सिलसिला लंबा चला आ रहा है और पता नहीं कब तक हमारे जीवन के साथ ही ये समस्या जाएगी। हम कभी अमीर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चमत्कार तो नहीं होगा ना, रातों रात कहीं से पैसे तो नहीं बरसने लगेंगे ना। आज हमारा बैंक बैलेंस यहाँ है, कल यहाँ कैसे हो जाएगा? मैं कहती हूँ हो जाएगा, सब्र रखो। आज जो उपाय बताने जा रही हूँ वो धीरे धीरे आपकी ख्याति को मजबूत करेगा। जो कमाई होती है ना, गाढ़ी कमाई, वो धन नहीं होता है, वो रईसी होती है, वो रईसी आएगी आपके पास। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें, यही वो मंत्र है जो आपको जागृत कर देगा, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भर देगा। जो स्वप्न देखा आपने यदि सार्थक करना चाहते हैं, तो सोते जागते चलते फिरते खाते पीते भोजन पकाते वक्त, रोड क्रॉस करते वक्त, बच्चों को स्कूल लाते पहुंचाते वक्त, फूलों में जल डालते वक्त ओम नमः शिवाय का जप रखा करो जिह्वा पर, कभी कोई कमी नहीं रह जाएगी, बाधाओं से मुक्त होगा जीवन। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, किस्मत नहीं खराब होने दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य प्रयोग बताती हूँ, भाग्य चमक जाएगा। मेरी तस्वीर दिखाकर, मेरे वीडियोस दिखाकर यदि कोई आपसे धन मांगता है, कोई नंबर जारी करता है मुझसे बात कराने के नाम पर, फ्रॉड में मत फंसना। मैं कोई नंबर जारी नहीं करती अपने किसी भी चैनल पर, और किसी का उपाय या वशीकरण करने के लिए किसी से कोई धन नहीं लेती। ऐसे भी किसी को पैसे नहीं देने। मैंने कहा ना, करोड़पति बन जाओगे तब किसी मंदिर का निर्माण करा देना, किसी बच्चे की फीस भर देना, किसी कन्या के विवाह में भोजन की व्यवस्था अपनी तरफ से कर देना, मेरी फीस मुझे मिल जाएगी।
ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको कि धीरे धीरे आप रईस बन जाए। धीरे धीरे आएगा पैसा, अचानक नहीं आएगा, लेकिन इतना आएगा कि फिर कभी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको। दो काम आज करवाऊंगी आपसे। ध्यान से सुनिए क्या करना है। शुक्रवार के दिन चावल से बनी कोई भी चीज अपने घर में पकानी है, खीर बना लो, चावल दाल सब्जी होती है, आप ये बना सकते हो, मतलब चावल जरूर बने। और किसी लड़के को भोजन करवाना है अपने परिवार के सदस्य के अलावा किसी लड़के को, आपके आपका कोई दुकान है वहां स्टाफ है तो वो खा लेगा, अगर पंडित जी हैं आसपास कहीं उनके लड़के को आग्रह करके बुलाइए और भोजन करवा दीजिए। अगर आपके पड़ोस में कोई लड़का रहता है, कोई स्टूडेंट पढ़ता है, उसको बुला के भोजन करवा दीजिए। अच्छा भोजन बनाइएगा, ऐसा नहीं किसी को खिलाना है तो कुछ गंदा संदा सा कुछ भी बना दिया आपने, नहीं, चावल से बनी खीर बना सकते हैं आप, अपने परिवार को भी खिलाइए, परंतु किसी लड़के को जरूर खिलाना है शुक्रवार के दिन। एक काम आपने कर लिया, प्रत्येक शुक्रवार को करें, प्रत्येक मिनिमम 6 शुक्रवार मैक्सिमम करते रहिए, रईसी ना आ जाए तो कहिएगा। ध्यान से सुनिए, संडे के दिन आपको एक सफेद वस्त्र किसी लड़के को दान करना है, किसी लड़के को देना है। शर्ट पैंट का कपड़ा हो सकता है, कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो सकता है, कुर्ता हो सकता है, कोई शर्ट हो सकती है, कोई टी शर्ट हो सकती है, परंतु पूर्ण रूप से सफेद। ये काम संडे को करना है। शुक्रवार को आपने भोजन करवाया, जरूरी नहीं जिस लड़के ने भोजन किया उसी लड़के को आप ये दें, कोई भी बॉय होना चाहिए, मर्द होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए, बात समझ में आ गई, किसी भी उम्र के, बुजुर्ग को भी दे सकते हैं परंतु पुरुष। सफेद धोती दे सकते हैं आप, बिल्कुल आपके पास पैसे नहीं है, आप कहेंगे कि हर संडे को दान करना, तो आप सफेद रुमाल दे सकते हैं, इतना तो दे लोगे, 10-20 का आता है रुमाल। प्रत्येक संडे को सफेद वस्त्र का दान पुरुष को करें। इससे आपके जितने बुरे कर्म हुए होंगे, आपके मुंह से कोई अपशब्द निकला होगा, आपके कर्मों के द्वारा कोई दूर से दुखी हो गया होगा जिससे कि उसकी आह लग गई आपको और समृद्धि धीरे धीरे मुंह फेर रही है आपसे, वो समस्त खत्म हो जाएंगे। दो काम करना, एक समृद्धि के लिए कर रहे हैं, एक ख्याति बढ़ाने के लिए, दोनों जब मिल जाएंगे ना आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। वही किस्से सुने ना जो 2 रुपया लेके आया था जेब में और आज 200 करोड़ का मालिक है, उस हिसाब से जीवन में तरक्की करना प्रारंभ करेंगे आप, नसीब खुल जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख की इच्छा की है तो 5 लाख आएगा, आप खानदानी रईस बन जाएंगे, धन आने का सिलसिला रुकेगा नहीं, आपके साथ साथ अमीरी आपके बच्चे भी देखेंगे, आने वाली पीढ़ी भी देखेंगे। अवश्य करें, करके देखें, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते ना करें, करते रहें, मिनिमम 6 हफ्ते करें और मैक्सिमम जितना समर्थ हो आपको करते रहिए और तब रिजल्ट देखें। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। अपना ख्याल रखिए, अमीर हो जाइए, गदगद हो जाइए, माला माल हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।